there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome students. W3 School के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी आपने वेबसाइट बनाई और आप उसमें आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, कोई भी अगर आपने टेक्स्ट लिखा यानी कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा या कि हेडिंग लिखी और उसके पीछे आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे? हमने पिछले वीडियोज़ में बैकग्राउंड कलर के बारे में देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज के लिए। तो सबसे पहले आप HTML के साथ प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए और यहाँ पर बॉडी टैग हमने लिया। और बॉडी टैग में देखिए, एक हमने लिया है H2 हमारी दूसरी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इसमें बैकग्राउंड इमेज हमने लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। और दूसरा हमने एक पैराग्राफ लिया, ये बैकग्राउंड इमेज फॉर अ DIV एलिमेंट, और यहाँ पर हमने पैराग्राफ को कर दिया क्लोज। अब इसके बाद आपको समझने वाली बात यहाँ से है बैकग्राउंड इमेज के लिए। तो एक हमने टैग लिया DIV टैग, यहाँ पर आप पैराग्राफ टैग भी ले सकते हैं और आप यहाँ पर H1 टैग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी टैग ले सकते हैं, आप हेडिंग टैग कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने DIV टैग लिया और आपको अब अगर DIV टैग, यहाँ पर आप पैराग्राफ भी रख सकते हैं DIV की जगह। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टाइल लगानी है, ये स्टाइल आपको लिखना है। स्टाइल के बाद आपको बैकग्राउंड इमेज लिखना है कुछ इस तरह से, आप यहाँ से पूरा देख लीजिए कैसे हमने सेमी कॉलन, कहाँ पर हमने इक्वल का साइन और कहाँ पर हमने कौन सी साइन यूज़ की है, वो आप सभी चीज़ देख लीजिए, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज आपको लिखना है, फिर लिखना है आपको आगे यहाँ पर URL लिखना है। और URL के बाद आपको यहाँ पर देखिए, आपको अपनी उस इमेज का जो बैकग्राउंड में आप इमेज लगाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर URL दे दीजिए। कैसे, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लिखना है, बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद URL भी आपको लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पर कोष्ठक के अंदर आपको यहाँ पर आपको दे देना है उस इमेज का URL आपको दे देना है, फिर सेमी कॉलन लगाना है और आपको यहाँ पर टैग क्लोज करना है। तो कुछ इस तरह से हम टैग लगाएंगे और फिर इसके बाद हम DIV के अंदर अपना कुछ जो भी पैराग्राफ हमने बनाया हुआ है BR टैग लगाया। BR का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, अगर यहाँ से मान लीजिए कंटेंट हमने लिखा और दूसरा कंटेंट हम उसके नीचे वाली लाइन में चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BR टैग यूज़ करते हैं। तो BR टैग हमारा लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। और इसी तरह से फिर यहाँ पर आखिरी में आकर के हमने DIV टैग को क्लोज किया। फिर यहाँ से एक और हमने पैराग्राफ लिया और यहाँ पर देखिए दूसरे पैराग्राफ में हमने बैकग्राउंड उसी तरह से यूज़ किया, जैसे कि पैराग्राफ स्टाइल, बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर आगे हमने URL लिखा और URL के बाद यहाँ पर उस इमेज का हमने URL दे दिया, फिर सेमी कॉलन क्लोज किया और हमारा यहाँ पर टैग भी क्लोज होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए दो बैकग्राउंड यूज़ किए और फिर इसके बाद यहाँ पर आकर के बॉडी टैग हमारा क्लोज होता है, फिर HTML भी हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो अब आपको हम आउटपुट दिखाते हैं, आपको दो आउटपुट मिलेंगे जिसमें कि हमने दो DIV टैग यूज़ किए हैं और उसमें दोनों में बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई हुई है। तो आप सबसे पहले एक हमारा ये देखिए, एक हमारा बैकग्राउंड, एक हमारा ये वाला हो गया पार्ट। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और इसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर देखिए, एक हमने दूसरा भी हमने P टैग लिया था और दूसरा DIV टैग, तो यहाँ पर देखिए दूसरा DIV टैग में आपको ये दूसरे DIV टैब में भी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम पूरा सही है। और आपको मैं एक बार पूरा प्रोग्राम के ऊपर ले जाता हूँ, आप इस स्टाइल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप देखिए आपको सेमी कॉलन कहाँ पर हमने कॉलन और कर्ली ब्रेस वगैरह ये सब चीज़ कहाँ पर हमने यूज़ की, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है, डैश कहाँ पर लगाया हुआ है, जिससे कि आपका प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।